दबंग सरकार के साथ यानी कि खेसारी लाल यादव के साथ ये दबंग ब्यूटी कब से री एंट्री मारेगी, मतलब कब से आएगा? काफी सारे लोग कमेंट आते क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और मेरे कमेंट में तो खास करके ज्यादा लिखते हैं, तो उसमें कई सारे कमेंट लिखे कि यार इस ब्यूटी कब ही आ रही है खेसारी लाल यादव के साथ, ऐसा कोई केमिस्ट्री है क्या कि दबंग सरकार के बाद कुछ नया? अब ये बताइए, आप सब पूछ रहे हैं मैं खेसारी के साथ री एंट्री कभी मारूंगी, तो एक बार खेसारी जी से तो पूछ लीजिए, और अगर फैंस चाहते हैं तो उनको भी बोलिए कि मेरे साथ पिक्चर बनाए, भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं, आए मैं कब उनको, मेरा तो दिल से स्वागत है उनके लिए, मैं हमेशा उनके साथ काम करूंगी, फर्स्ट मूवी करी है उनके साथ, डेब्यू करा है, तो मेरे लिए तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल बात है, मैं कभी भी जाऊंगी, तो एक बार जरा दूल्हे से भी तो पूछो रेडी है या नहीं। खेसारी भैया की टीम, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जाहिर सी बात है आप देखते ही हो, तो भैया इस ब्यूटी को ना किसी गाने में या किसी फिल्म में दोबारा एंट्री कराओ यार, क्योंकि इनके जो दबंग सरकार वाला लुक था ना, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया था। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो एक जैसे हम लोग शादी भी कराने जाते तो पूछते दूल्हा रेडी, दुल्हन रेडी तो ही होते, अब दुल्हन से बार बार पूछते खेसारी के साथ कभी आएंगी, मेरा पूरा फेसबुक वॉल भरा रहता है यही पूछ पूछ करके, खेसारी जी के साथ कभी आ रही है, तो एक बार खेसारी जी से भी तो पूछ लो। दुल्हन तैयार है, दूल्हा को मनाना पड़ेगा एकदम, ये बहुरिया बकायदा तैयार है। दुल्हन तैयार है भैया, दूल्हा आप बन जाओ फटाफट, एक नया धमाका करते हैं। मैम एक बात बताइए, लेकिन कुछ इंडस्ट्री में ऐसी चीजें कंट्रोवर्सी चल रही होती है, बबुआना अभियान का मुद्दा होता है, जातिवादी को लेकर होता है, स्टार सिंगर को लेकर होता है, इसको आकांक्षा अवस्थी कैसे देखती है? सबसे बड़ी बात, मैं इंडस्ट्री में हूँ, चाहे मैं सिंगर होती चाहे मैं एक्ट्रेस होती, जो भी होती, अभी मैं एक्ट्रेस हूँ, एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, एक कलाकार को हमेशा उसी किरदार में ढलना होता है जो किरदार उसको दिया जाता है। अगर हम अपने आप को यादव पंडित या कुछ भी ऐसा लेके चलते हैं तो ये हमारी मानसिकता दर्शाती है। मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू ही नहीं करती हूँ कि ऐसा कुछ भी होता है। मैं एक आकांक्षा हूँ, ऐसे मैं आकांक्षा अवस्थी हूँ, लेकिन मैं अभी एक आकांक्षा हूँ, मैं एक किरदार जो मुझे दिया जाएगा, मुझे किसी भी जात धर्म का किरदार दिया जाएगा मैं करूँगी, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं धर्म से परे हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, बस यही मेरा धर्म है। तो मैं इस इंडस्ट्री के लिए मैं ये नहीं मानती कि यहाँ कोई धर्म या जात पात कुछ भी होता है, हम सब इंसान है यार, सब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, इंडस्ट्री में जातिवाद नहीं है। इंडस्ट्री में जो कुछ लोग हैं, मैं कह सकती हूँ, अगर आप अच्छे अच्छे एक्टरों के पास जाइए तो मुझे नहीं लगता वो ये सब चीजें मानते हैं। मतलब जातिवाद है, थोड़ी सी है या नहीं है? जातिवाद लोगों में है, इंडस्ट्री में नहीं है, कलाकार में नहीं है, कलाकार पे जातिवाद नहीं। आप जाइए, आप संजय पांडे जी से पूछिए, अवधेश मिश्रा जी से पूछिए, ये तो एक टाइटल है, लेकिन जब हम वही रोल करते हैं तो हम यादव रावत और कुछ भी बन जाते हैं, हम लोग जो भी टाइटल हमें मिलता है तो हम तो कुछ भी बन जाते हैं यार, हम कलाकार हैं। तो इंडस्ट्री में जो देखते हैं, जो फैंस जो आपस में लड़ जाते हैं, यादव समाज वाले कहते हैं अरे सिंह साहब वाले बेकार हैं, पंडित जी वाले बेकार है, पंडित जी कहते हैं कि भगवान बेकार है, हरियाणा बेकार है, ये सब जो जातिवादी चल रही है, ये जो चल रहा है, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? स्टार लोग कैसे मैनेज? सिर्फ स्टार लोग ही कर सकते हैं, जिनके नाम के साथ जिनके फैंस ये फैंस ऐसे लड़ जाते हैं कि नहीं सिंह साहब और नहीं यादव जी और नहीं पंडित जी, ये हमारे स्टार लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, फैंस लोगों से प्लीज ये सब मत करिए, हम सिर्फ एक कलाकार हैं, आप लोग आपस में बेकार में लड़ जाते हैं, हमको जो भी काम मिलेगा हम करेंगे वो काम, हम मना नहीं कर सकते अपने काम से। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जातिवादी थोड़ी सी है आकांक्षा अवस्थी के अनुसार? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको फिर बोला, अब आप मुझे अपनी बातों में फंसाने में लगे, अभी आप बोल रहे हैं मुझे कि आपके फैंस लोग ऐसे सब करते हैं, सिंह अच्छे हैं, यादव अच्छे हैं, पंडित अच्छे हैं, तो ये फैंस कर रहे हैं, तो बेटर है कि हमारे स्टार लोग आए वापस आके ऑन स्क्रीन आकर के बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक किरदार कर रहे हैं, नाम है बस, जो जिस भी जात में जो भगवान ने देख करके आप जिधर भेज दिया आपको, वो आपको बाय बर्थ मिल गया, लेकिन आपने जो बनाया है वो आपकी चॉइस थी। तो मैम आने वाली फिल्मों की बात कर लेते हैं, इसके बाद कौन कौन सी तैयारी और इस साल आप कौन कौन से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाले हैं? एक मेरे पापा आने वाली है, दबंग भौरिया आने वाली है, उसके बाद मंगलसूत्र और उसके बाद अम्मा आने वाली है, जो हमारी चारों ऑन फ्लोर जा चुकी है पिक्चरें, और जैसी आगे चीजें आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे।
फैन से लास्ट में क्या कहना चाहिए? बस यही कि ढेर सारा सा प्यार दीजिए। आई होप मेरी री एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छी